आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देश में चुनावों की बयार बह रही है, कई राज्यों में चुनाव है और ऐसे में हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना चाहती है। और ऐसे में कोई पार्टी अगर कोई चुनाव जीत जाए, वो भी कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का घमंड तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की है और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जी हाँ, आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणामों पर सभी की नजरें थी, क्योंकि ये चुनाव बताते कि आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, नगर निगम चुनाव के परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए आपकी धमाकेदार एंट्री हुई है। बीजेपी को तो बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपने कुल 35 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। अकाली दल को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो ये है कि बीजेपी के मेयर रविकांत खुद वार्ड नंबर 17 से चुनाव हार गए हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत सिंह ने 828 वोटों से हराया है। बीजेपी के 3 पूर्व मेयर भी चुनाव हार गए हैं, देवेश मोदगिल और राजेश कालिया चुनाव हारे हैं, जबकि पूर्व मेयर अरुण सूद अपने वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी को जिता ही नहीं पाए। कुल मिलाकर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जनता ने क्या सोच दिखाई है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि मतगणना शुरू होते ही कांग्रेस और आपके प्रत्याशियों ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया था और 1 घंटे के भीतर ही रिजल्ट आने शुरू हो गए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर चंडीगढ़ के लोगों का आभार जताया और उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रत्येक मतदाता और पार्टी वर्कर का आभार व्यक्त करते हैं। इस जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम में आपकी जीत पंजाब में बदलाव की ओर इशारा करती है। लोगों ने भ्रष्ट राजनीति को खारिज कर दिया है और आपको चुना है। पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा नगर निकाय में बीजेपी के पास बहुमत था। पिछले नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी और शिरोमणि अकाली दल के हिस्से 1 सीट आई थी। कांग्रेस के हाथ बस 4 सीटें आई थी। बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों के सहारे चुनाव लड़ा है, जबकि कांग्रेस और आप बीजेपी पर विकास कार्य करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए चुनावी मैदान में उतरी थी। और कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए 14 सीटें जीती हैं और चंडीगढ़ नगर पालिका चुनाव की जीत आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।